कश्मीर घाटी के अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक बच्चे की भी मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन शुरू किया है। जम्मू संभाग में सांबा जिले के रामगढ़ सब सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक बाबा चमलियाल की मजार पर चादर चढ़ाकर मेले की रस्म पूरी की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ विकास कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। कोविड 19 महामारी की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो सका है। विश्व नशा विरोधी दिवस पर आज जिला सांभा में लोगों और पुलिस महकमे ने बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को नशे की बुराई के खिलाफ जागरूक किया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल क्यूम की उस याचिका पर यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन को शुक्रवार को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने पिछले साल 7 अगस्त से जन सुरक्षा कानून पीएसए के तहत खुद को हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी थी। कश्मीर घाटी के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में हिजबुल के टॉप कमांडर कासिम शाह उर्फ जुगनू की भी मौत हो गई है। जम्मू जिले के डोडा के रकी नाला मोड़ से एक इको कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर नदी में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा खराब सड़क और सड़क किनारे कोई सपोर्ट नहीं होने का वजह से हुआ है। जम्मू संभाग के अखनूर कस्बे में वार्ड नंबर 2 की 8वीं कक्षा की छात्रा आधीरा नरेंद्र सिंह ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने 200 में से 199 अंक लेकर अखनूर कस्बे में नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने स्कूल, माता पिता, टीचर्स और दादा दादी को दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े होकर एक ऐसा मुकाम हासिल करना है ताकि गरीबों की मदद कर सकूं। जम्मू में कोविड 19 महामारी के लॉकडाउन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़क पर उतर नहीं पाया था। वहीं ट्रांसपोर्टरों की मांग को देखते हुए सरकार ने किराए में 30% की वृद्धि का आदेश जारी किया। इसी को लेकर आज जम्मू में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हो गई है, लेकिन सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोविड 19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। जम्मू में डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर हो रहे जुल्म-ओ-सितम को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि वहां मानवाधिकारों का खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तान हमारे मामलों में टांग अड़ा रहा है। वहीं उन्होंने चीन की हिमाकत पर भी पुरजोर तरीके से हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की है। भारत और चीन की तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना और थल सेना ने आज पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य अभ्यास किया। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद वायुसेना ने हवाई गतिविधियों के जरिए निगरानी शुरू कर दी है। देश में खाने के ज्यादातर सामान पर वस्तु एवं सेवा कर GST की दर 5% है। अब पॉपकॉर्न को सामान्य खाने से हटाकर खास क्लब में शामिल किया गया है। पॉपकॉर्न पर अब 18% की दर से GST लगाया जाएगा। भारत और चीन के बीच गलवा घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि देश जानना चाहता है कि क्या चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, जैसा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया है, तो फिर हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए। गलवा घाटी मुद्दे पर शिवसेना ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री गलवा घाटी संघर्ष में भारतीय सैनिकों की ओर से दिखाई गई वीरता का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहार रेजिमेंट की वीरता का जिक्र करते हुए ये उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों के शहीदों के बारे में प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं है। CBSE ने शुक्रवार को घोषणा की कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। कोविड 19 की स्थिति के कारण लंबित पड़ी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और उन्हें लद्दाख क्षेत्र में जमीनी स्थिति के बारे में जानकारी दी।
भूटान ने असम की ओर सिंचाई का पानी रोके जाने की खबर को पूरी तरह गलत बताया है। भूटान की तरफ से इसका खंडन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि असम में बिना रोक टोक पानी की आपूर्ति के लिए वो बांध पर मरम्मत का काम कर रहे हैं।